बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर की ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के पहला चैप्टर जो आपका है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संसाधन और विकास चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग संसाधन के बारे में समझेंगे कि संसाधन आखिर क्या है। संसाधन को समझने के लिए सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए रिसोर्स मतलब संसाधन, री का अर्थ होता है लंबी अवधि, क्या होता है री का अर्थ होता है लंबी अवधि, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। तो इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ हम निकालेंगे एक लंबी अवधि तक जो साधन हमारे लिए उपयोगी हो उसे हम संसाधन कहेंगे, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि ऐसी कोई भी वस्तु पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो और जो हमारी आवश्यकताओं की जिससे पूर्ति होती हो उसे हम संसाधन कह सकते हैं। इस प्रकार कहे ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो संसाधन कहलाती है। जिस तरीके से कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, और मनुष्य अपने आप में स्वयं एक संसाधन है। क्यों? मनुष्य के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, अब हम लोग संसाधन के बारे में समझ गए हैं कि आखिर संसाधन क्या है। अब संसाधन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है तो उसके आधार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो दो तरीके के हैं। तो उनमें जो पहला संसाधन है वो है जैव संसाधन। क्या है? पहला संसाधन है जिसका नाम है जैव संसाधन। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में जैविक और अजैविक घटक, उन्हीं तरीके से हमारे जो संसाधन बने हैं वो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन को बायोटिक रिसोर्स कहते हैं और अजैव संसाधन को अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैव संसाधनों की उत्पत्ति जीव मंडल से होती है, इसमें सभी वन वनस्पतियाँ और उसमें पाई जाने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। इसमें प्राणी जात, वनस्पति जात, पशुधन और जो मत्स्य होता है मछली पालन, ये सारी चीज़ें जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं, जिनमें जान नहीं है, जैसे धातुएं, खनिज, नदियां, चट्टाने, इनमें जान नहीं है, ये सब जो निर्जीव हैं वो सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर दो आधार पर हम लोग जानेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर ये संसाधन आप लोग देख रहे हैं नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जैसे जल। जल क्या है? जल का रूप बदलता रहता है, उसका पुनर्चक्रण होता रहता है, और इनकी पूर्ति है एक बार होने के बाद दोबारा भी की जा सकती है। जैसे जल है, वन है, है वन्य जीवन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब संसाधन नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इनका पुनर्चक्रण होता रहता है। इसी में समाप्यता के आधार पर संसाधन दूसरे नंबर पर अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास दीर्घ भू रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। जैसे आप लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, उसके बाद जो रासायनिक प्रक्रिया हुई तो उसके द्वारा ये पेट्रोलियम बना, जैसा हम लोगों को पता है। खनिज और जीवाश्म, इनको बनने में बहुत सारा समय लगा। कुछ संसाधन जैसे धातुएँ पुनर्चक्रिय व अन्य अचक्रिय होते हैं, ठीक है।
जैसे जीवाश्म ईंधन को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन धातुएं होती हैं उनका पुनर्चक्रण हो जाता है। अब नंबर तीन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन आप लोग पहला देख रहे हैं व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा इधर देखिएगा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इनमें सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल से होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर व्यक्ति का स्वयं का अपना अधिकार होता है, जैसे किसी की भूमि है, घर है, जमीन है, जायदाद है, तालाब है जो कि किसी व्यक्ति ने अपने उपयोग के लिए स्वयं बनवाया है, कुआं है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो वस्तुएं होती हैं, वो सब संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे, जिन पर अपना अधिकार है, कोई इसमें दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता है। और स्वामित्व के आधार पर दूसरा जो संसाधन है वो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं उन पर समुदाय के सभी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, और उनका उपयोग समाज के सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव रोक टोक के कर सकते हैं। जैसे भूमिचारण, यानी कि भूमिचारण का मतलब ये हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में जो चरागाह भूमि होती है, तो उसमें किसी भी समाज जाति धर्म वर्ग के लोग, समुदाय के लोग अपने जानवर को चराते हैं। शमशान की भूमि होती है, वो भूमि सामुदायिक भूमि है, उस पर कोई सभी व्यक्तियों का अधिकार है। इसी तरीके से सामुदायिक तालाब, पार्क, खेल का मैदान, ये सामुदायिक स्थान होते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अब इसी में तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, देश की सरकार को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि सभी व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के लिए व्यक्तिगत सभी व्यक्तियों के हित के लिए अधिकृत कर सकती है। सरकार सामुदायिक प्रयास ये रहता है सभी सरकारों का कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का हित हो, तो उसके लिए व्यक्तिगत भूमि को भी सरकार अधिकृत कर लेती है, उसे अपने खरीद लेती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिले। इसके बाद जो लास्ट आता है इसमें, इधर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, उस पर सभी देशों का अधिकार है। जैसे मान लिया अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या चीज आएगी, तट रेखा से 200 मील की दूरी, जो हमारा समुद्र तट है, तो उससे जो 200 मील की दूरी है, तो वहाँ पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सभी देशों का सामुदायिक अधिकार है। तो महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश वहाँ पर अपना अधिकार संसाधनों पर नहीं कर सकता है। इन संसाधनों का उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। तो ये आपका रहा संसाधन। तो संसाधन चैप्टर आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया है। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।